हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक फाउंडेशन का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। इस फाउंडेशन का नाम है वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन। आई नो आपके पास ये फाउंडेशन होगा, आप में से बहुतों ने परचेज कर रखा होगा। तो इस फाउंडेशन का आज मैं डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी, साथ में अपना ओपिनियन भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आपको बाय करना चाहिए ये फाउंडेशन या नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेट एंड वाइल्ड एक लॉस एंजलिस बेस्ड कंपनी है। ऑनलाइन इस कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का एक अच्छा खासा रेंज अवेलेबल है और आपको इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब ऑनलाइन ही मिलेंगे। सबसे पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। ये फाउंडेशन कुछ इस तरह के ग्लास बॉटल में आता है और इसके ऊपर लिखा है वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन। साथ ही इस फाउंडेशन का शेड नेम और अंडरटोन यहाँ नीचे मेंशन किया गया है। सो इसकी MRP की बात करें तो इसका प्राइस है 599, पर आपको इस फाउंडेशन पे 30-40% का ऑफ फेस्टिव सीजन सेल पर मिल जाएगा। तो आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप किसी सेल में इसे बाय करें। साथ ही 599 रुपीज़ में आपको 30 ml ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है और इसकी शेल्फ लाइफ यहाँ पीछे मेंशन करी गई है, जहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन है। इस फाउंडेशन पे आपको 3 ईयर्स की शेल्फ लाइफ मिल जाती है, जो कि एक लंबा टाइम पीरियड है। इसके साथ ही ये फाउंडेशन लाइट वेट है, ऑयल फ्री है, ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है और साथ ही इस फाउंडेशन में पैराबीन का यूज़ नहीं किया गया है। ये एक पैराबीन सल्फेट और क्वालिटी फ्री कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जो कि इस प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट है। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि एक बॉक्स बना है जो ओपन है और उसमें लिखा है 12 ml। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को एक बार ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आप इसे सिर्फ 12 month के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद यहाँ इस साइड लिखा है पील हेयर, तो आप इसे यहाँ से इस तरह ओपन करते हैं तो इसके अंदर आपको सारे इंग्रेडिएंट की लिस्ट मिल जाएगी जो इस फाउंडेशन में यूज़ करे गए हैं। साथ ही यहाँ ऊपर लिखा गया है कि ये फाउंडेशन 7 types ऑफ लाइट में टेस्टेड है, जैसे क्लियर ब्लू सनलाइट स्काई में, मतलब साफ नीले खुले आसमान में, और आउटडोर PM में, मतलब दोपहर के समय बाहर, इनडोर PM में, मतलब दोपहर के समय घर के अंदर, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश लाइट, फ्लोरोसेंट लाइट में, बाथरूम लाइट में और नाइट क्लब लाइट में। तो इन लाइट टाइप्स में इस फाउंडेशन को टेस्ट करके देखा गया है। इसके अलावा ये कंपनी क्लेम करती है कि ये फाउंडेशन किसी तरह का कोई फोटो फ्लैशबैक नहीं देता है। अब इस फाउंडेशन को ओपन करके देख लेते हैं। इसे ओपन करने पर आपको इस टाइप का एक प्लास्टिक एप्लीकेटर मिलेगा। ये किसी टाइप की पंप बॉटल में नहीं आता है, जिससे आपको इसे यूज़ करने पे थोड़ा सा मैसी फील हो सकता है। इसके अलावा पंप ना होने की वजह से इस प्रोडक्ट में बैक्टीरिया भी आ सकते हैं, जो कि बिल्कुल हाइजीनिक नहीं है। और इसके साथ ही जो मुझे फील होता है कि इस स्पैचुला से प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा निकल आती है, तो प्रोडक्ट वेस्ट भी हो जाता है। आप देख सकते हैं इस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी रनी है। ये फाउंडेशन आपको लाइट टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है, साथ ही ये एक बिल्डेबल फाउंडेशन भी है। अगर आप इस फाउंडेशन की एक और लेयर अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये फाउंडेशन आपको फुल कवरेज भी प्रोवाइड करेगा। पर ये फाउंडेशन ऑयली स्किन टाइप के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो हो सकता है आपको ये फेस पे थोड़ा सा केकी फील हो। इसके अलावा ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है और साथ ही ये एक ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट भी है। सो मुझे ये फाउंडेशन पसंद है। अगर आप इसे बाय करते हैं तो आप बिल्कुल रिग्रेट नहीं करेंगे। सो अगर आप इस फाउंडेशन को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो इसका डायरेक्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप डायरेक्ट वहां से इसे बाय कर सकते हैं। तो अब इस फाउंडेशन के शेड रेंज की बात कर लेते हैं। USA में इस फाउंडेशन के टोटल 20 shades अवेलेबल हैं, मगर इंडिया में इसके टोटल 10-11 shades ही अवेलेबल हैं। तो इस फाउंडेशन के टोटल 11 shades आपको अलग अलग ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पे मिल जाएंगे, जैसे कि अमेजोन पे आपको वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन के 6 shades मिल जाएंगे, नाइका पे इसके 9 shades अवेलेबल हैं, purple.com पे 8 shades अवेलेबल हैं, फ्लिपकार्ट पे 7 shades अवेलेबल हैं और साथ ही hawkmakeup.com पे इसके टोटल 11 या 10 shades अवेलेबल हैं। तो अगर पूरा कैलकुलेट करें तो इस फाउंडेशन के टोटल 11 shades अवेलेबल हैं इंडिया में। आप इस फाउंडेशन का सिलेक्शन अपने स्किन टोन और अंडरटोन के हिसाब से
कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के लास्ट में पता चल जाएगा कि आपका अंडरटोन जो हो उस हिसाब से आपको ये फाउंडेशन लेना है। तो अब इस फाउंडेशन को फेस पे यूज़ करके देख लेते हैं कि इसकी फिनिशिंग और इफ़ेक्ट कैसा आ रहा है फेस पे। सो सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर कर लूँगी, जिसके लिए मैंने एल्प्स गुडनेस का टोनर लिया है। इसके बाद मैंने अपने फेस को हाइड्रेट करने के लिए निव्या की क्रीम ली है और इससे मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज किया है। देन इसके बाद मैंने पतंजलि एलोवेरा जेल लिया है और इसे एज अ प्राइमर यूज किया है। इसके बाद हम अपना मेन प्रोडक्ट यूज करेंगे जो है वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की मैंने इतनी क्वांटिटी ली है और इसके बाद इसे पॉइंट पॉइंट करके अपने फेस पे अच्छे से लगाया है और एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अपने फेस पे ब्लेंड किया है। ये फाउंडेशन बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा था, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ा इस फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है। यहाँ पे मेरे फेस पे एक डार्क स्पॉट था जो अभी भी विजिबल है, ये आप देख सकते हैं। तो ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है और ये एक मैट फिनिश फाउंडेशन है, क्योंकि एक साइड चेहरे पे बिल्कुल शाइन नहीं है और एक साइड शाइन है थोड़ी बहुत। सो अब मैं फाउंडेशन की दूसरी लेयर अप्लाई करके फेस पे देख रही हूँ। इस फाउंडेशन की सेकेंड लेयर अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा तो फर्क दिखा था, मगर वो जो स्पॉट था वो पूरी तरीके से हाइड नहीं हुआ था। सो आई थिंक कि एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, मगर अगर फिर भी आप इस फाउंडेशन की 2 से 3 लेयर अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो आपको एक विजिबल फर्क देखने को मिलेगा, ये एक हाई कवरेज आपको प्रोवाइड करेगा। इसके बाद मैं अपने फेस के दूसरे साइड भी इस फाउंडेशन को लगा लूँगी और इस साइड में फाउंडेशन को ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड ना करके एक ब्रश की मदद से ब्लेंड करूंगी। इसके बाद मैंने एक फाउंडेशन ब्रश लिया है और उससे इस फाउंडेशन को ब्लेंड किया है। ये फाउंडेशन बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा था तो मुझे ब्रश वाला साइड जो था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई थी। सो बाकी तो आप देख ही सकते हैं, आप खुद ही फर्क जान लेंगे। सो ओवरऑल जो लुक आ रहा था वो इस तरह का आ रहा था, मगर फिर भी इसने थोड़े बहुत स्पॉट अभी भी हाइड नहीं किए हैं, कुछ स्पॉट हैं जो विजिबल हैं। सो ओवरऑल ये एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन है, मगर ब्रश से इसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा था। ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है या नहीं इसका टेस्ट मैंने किया है, तो चलिए देख लेते हैं ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है या नहीं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 2 घंटे बाद इस फाउंडेशन का कलर कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम दोबारा से ये फाउंडेशन अप्लाई करके देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये फाउंडेशन लिटिल बिट ऑक्सीडाइज हुआ है, पर ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, लिटिल बिट ऑक्सीडाइज हुआ है जो कि चलता है। इसके अलावा ये फाउंडेशन वाटरप्रूफ भी है, तो अगर आपकी मैरिज होने वाली है या आप ब्राइड हैं और आप कोई फाउंडेशन बाय करना चाहती हैं तो आप डेफिनेटली ये फाउंडेशन बाय कर सकती हैं।
अगर आपको आपके स्किन टोन और अंडर टोन की नॉलेज है तो आप उस हिसाब से इस फाउंडेशन के ये शेड परचेज कर सकते हैं। जैसे आपका स्किन टोन मीडियम है और अंडर टोन वार्म है तो आप गोल्डन बेज शेड बाय कर सकते हैं, और अगर आपका स्किन टोन मीडियम टैन है और अंडर टोन वार्म है तो आप ब्रॉन्ज बेज शेड बाय कर सकते हैं। नीचे स्किन टोन और अंडर टोन की लिस्ट दी गई है, आप उसे ठीक से चेकआउट कर लीजिए, देख लीजिए और उसके बाद आप अपने स्किन टोन से मैच फाउंडेशन बाय कर सकते हैं। सो आई होप आपको वेट एंड वाइल्ड फाउंडेशन का ये रिव्यू पसंद आया हो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।